हाय फ्रेंड्स, श्रुतिस क्रिएटिव किचन को आपको स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए समर स्पेशल आइसक्रीम लेके आई हूँ। देख पा रहे हैं मेरे पास है स्ट्रॉबेरी और बटरस्कॉच आइसक्रीम, मार्केट स्टाइल, पूरा मार्केट से भी अच्छा फ्लेवर और अच्छा टेस्ट है। हम घर पर बनाएंगे, बच्चों को अच्छा खाना देंगे। चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए आइसक्रीम कैसा दिख रहा है, उसका टेक्स्चर देखिए, बटरस्कॉच स्ट्रॉबेरी। चलिए बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास आइसक्रीम का लिक्विड ये बेस है। ये देखिए आइसक्रीम बनाने के लिए लिक्विड बेस है ये, और ये मेरे पास है व्हिप्ड हुआ क्रीम, और ये है मिल्क मेड जो कि बहुत कम है। ये है मिल्क मेड या मिठाई मेड जो भी है, और मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाऊंगी इसलिए स्ट्रॉबेरी क्रॉस है और पिंक कलर है। मार्केट जैसा आइसक्रीम बनाने के लिए, तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने जो बेस है इसको रेडी कर दिया है, और ये मेरा इंग्रेडिएंट्स आ रहा है, तो चलिए इसको सब मिक्स करते हैं। ये देखिए मैंने 2 से 3 ड्रॉप पिंक कलर ऐड कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में तो पिंक कलर ही जरूरी होता है। ये बेबी पिंक कलर है, देखिए बंडर शेप का है। इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए कितना सुंदर प्यारा कलर आया है, लग रहा है ना स्ट्रॉबेरी कलर। खुशबू भी बहुत अच्छा है। और हम अब इसमें स्ट्रॉबेरी क्रॉस ऐड करेंगे जो कि 2 से 3 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून डालते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मिल्क मेड ऐड करेंगे जो मैंने लिया है 50 ग्राम मिल्क मेड। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। लम्स ना आ रहा है। अब हम इसमें व्हिप्ड हुआ क्रीम ऐड करेंगे। देखिए व्हिप्ड हुआ क्रीम लिया है, इसमें अब हम ऐड कर देंगे। आपको अगर ज़्यादा क्रीमी चाहिए तो आप और ज़्यादा व्हिप क्रीम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप क्रीम को लेके व्हिप किया था। इसको अच्छे से मिला देंगे। कोई भी लम्स ना रहे। मेरा रेडी हो गया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम। अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप ज़्यादा कलर ऐड कर सकते हैं। मिक्स हो गया, बिल्कुल लम्स फ्री है, देख पा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेडी हो गया। अब फ्रीज में जाने के लिए ये डिब्बे में सेट कर देंगे। अभी पूरा डिब्बे में भर के रख देंगे हम। अभी ये देखिए मैंने डिब्बा में भर के इसको क्लीन रैप कर दिया अच्छे से, ताकि एयर ना जा पाए, अच्छे से आइसक्रीम जम जाए। मार्केट जैसा आइसक्रीम हमारा रेडी हो जाएगा। मैंने इसको पूरा ओवर नाइट रात भर इसको फ्रीज में स्टोर कर दूंगी। कवर डाल दिया, अभी हमें फ्रीज में इसको डाल देंगे। ये देखिए मेरा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हो गया। अब हम बटरस्कॉच आइसक्रीम बनाएंगे। ये मेरा जो बेस है वनीला बेस है रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा मिल्क मेड जो है डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे।
आइसक्रीम का जो बेस है वो परफेक्ट होगा तो आपका आइसक्रीम पूरा मतलब मार्केट जैसा पूरा और टेस्ट भी बहुत अच्छा, मार्केट से बहुत अच्छा टेस्ट होगा। आप अगर एक बार आइसक्रीम बनाएंगे तो देखेंगे, बस आपको ये बेस में ही ये है। अगर आपको आइसक्रीम बनाने का तरीका जानना है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा व्हिपिंग क्रीम, इसको ऐड कर देंगे। क्रीम को ज़्यादा व्हिप मत कीजिएगा क्योंकि आइसक्रीम में ज़्यादा हार्ड क्रीम की ज़रूरत नहीं होता है, सॉफ्ट क्रीम ही अच्छा रहता है। आपको अगर ज़्यादा क्रीम ही चाहिए तो आप ज़्यादा क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक कप व्हिपिंग क्रीम ठीक ही है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ओवर व्हिप मत कीजिएगा, ओवर भी मिक्स मत कीजिए, ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा, अच्छे से हल्के से मिक्स कर दीजिएगा। ये मेरा मिक्स हो गया, देख पा रहे हैं आप। अब हम इसमें हल्का येलो कलर डालेंगे, बटर स्कॉच आइसक्रीम में तो हल्का येलो डालेंगे कलर। और ये है मेरे पास बटर स्कॉच का कर्ड्स क्रश है, इसको हम 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, हल्का हल्का कलर आ रहा है बटरस्कॉच का कलर। अभी ये मेरे पास है बटरस्कॉच का नगेट्स है, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा ही डाल रही हूँ हल्का। और मेरे पास टूटी फूटी है, हम इसको डाल देते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। घर पर आप आइसक्रीम बनाइए, बच्चों को खिलाइए। मार्केट के आइसक्रीम में बहुत केमिकल ऐड होता है, ज़्यादातर कोशिश कीजिए हम घर का खाना बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबको दें, ताकि हेल्दी रहे। देखिए हो गया मेरा बटरस्कॉच आइसक्रीम रेडी हो गया। अब हम इसको डिब्बे में भरेंगे, क्लीन रैप करेंगे और फ्रिज में स्टोर करेंगे पूरा ओवरनाइट। तो पता है मेरी मम्मी ने घर पे ना खुद आइसक्रीम बनाया है, बटरस्कॉच स्ट्रॉबेरी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा पिंक, मैं खोल के दिखाऊंगी बाद में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पिंक आइसक्रीम, ये देखिए ये मेरा ओवरनाइट हो गया है, रात भर मैंने रख दिया था। अभी हम आइसक्रीम को खोलते हैं। देखिए ये बटर स्कॉच, ये स्ट्रॉबेरी, क्लीन ले आपको ओपन करते हैं। देख पा रहे कितना प्यारा दिख रहा है, कलर भी कितना प्यारा है। ये है बटर स्कॉच, ये है स्ट्रॉबेरी। अब हम इसको स्कूप करने जा रहे हैं, ये मेरे पास स्कूप है, देखिए आराम से धीरे धीरे कीजिएगा। ये देखिए ये वाओ कितना सुंदर दिख रहा है। और एक स्पून हम निकालेंगे, ये हो गया। अब हम स्ट्रॉबेरी का भी देखेंगे, देखिए देख पा रहे कितना सुंदर दिख रहा है, लग रहा है ना मार्केट जैसा। टेस्ट करके बताएगी अभी बेटी। बहुत टेस्टी है।